हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैं आज बनाने जा रही हूँ सिंपल एंड क्विक फ़िश करी। तो यहाँ मैं फ़िश को धो के ले ली हूँ। अब मैं इसे थोड़ी देर मैरिनेट करके रखूँगी। उसके लिए मुझे चाहिए थोड़ा सा नींबू, एक छोटा सा नींबू ली हूँ गाइस। मैं इसे फ़िश में स्क्वीज़ कर लूँगी। उसके बाद इसमें दूंगी थोड़ा सा नमक गाइस। तो ये मैं दे दी नमक थोड़ा सा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देना है इसे मैरिनेट करने के लिए, बस नींबू और नमक में ही मैरिनेट करके रखना है। तो ये मैं फ़िश को अच्छी तरह मैरिनेट करके रख ली। ज़्यादा देर नहीं करना है, बस 10 या 15 मिनट, जब तक मसाले रेडी कर लूँ। तो यहाँ मैं ले ली प्याज। प्याज को छील के धो लूँगी, उसके बाद इसको चॉप कर लूँगी। तो ये मेरा प्याज धो के रेडी हो चुका है। अब मैं प्याज को चॉप कर लूँगी, ज़्यादा बारीक नहीं, रफली चॉप करना है। ये बेसिकली एकदम लाइट फिश करी है, ज़्यादा हैवी नहीं है। तो ये रहा मेरा मसाला का पिटारा गाइस। तो मसाले भी कुछ ज़्यादा हैवी नहीं जाएंगे, बस जो कॉमन से है जीरा धनिया, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और हल्दी, ये है ज़ीरा पाउडर। ये है धनिया पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और हल्दी। तो बस इतना सा ही मसाला जाएगा गाइस इसमें। ये बहुत ही टेस्टी बनता है गाइस, बस कम मसाले में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना गाइस। ये मैंने ले ली जिंजर गार्लिक का पेस्ट। चाहे तो आप जिंजर गार्लिक को अपने खुद से पेस्ट बना लीजिए या क्रश कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पेस्ट ले लिया है। तो मैं अब इसे इस सारे मसालों का एक घोल बना के रख दूंगी, भिगो के मसालों को। तो यहाँ मसाले का घोल भी रेडी हो चुका है गाइस। नहीं, 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 नहीं।